10 साल में आईसीसी का एक भी कप नहीं जीत पाई टीम इंडिया। बीजेपी की सरकार में ना वनडे ना टी20 वर्ल्ड कप आया भारत। कांग्रेस की सरकार में इंडिया ने जीते 2 वर्ल्ड कप और 1 टी20 वर्ल्ड कप। हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को लगाया गले। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप पर रखे अपने पैर। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। तो वहीं दूसरी ओर कुछ चेहरों की ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जो शायद अब कई सालों तक भारतीय फैंस को सताती रहेंगी। बीते 9 सालों में ये पहली बार नहीं कि जब टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट गंवाया हो। बीते 9 सालों में यानी 2014 से लेकर 2023 तक टीम इंडिया आईसीसी के कुल 10 खिताब गंवा चुकी है। टीम को लगभग हर बार जीत के करीब जाकर हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि पिछले 10 आईसीसी खिताबों में भारतीय टीम ने 4 बार सेमीफाइनल में, 5 बार फाइनल में हार का सामना किया। भारत ने आखिरी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। इसके बाद से टीम इंडिया को कोई भी आईसीसी खिताब नसीब नहीं हुआ। आपको ये भी बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप 2011 में जीता था। आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने के अगले साल ही यानी 2014 में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल गंवा दिया। फिर 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली। 2016 टी20 वर्ल्ड कप में भारत को सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से हार मिली। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। फिर 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बारिश के कारण न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को हराया था। 2019-21 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराया था। बात करें 2021 की तो 2021 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा था। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में ही टीम इंडिया पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान से पहला मैच 10 विकेट से हार गई थी। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भी उसे एक तरफा अंदाज में 8 विकेट से हरा दिया था। ये 2 हार टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका साबित हुई और अगले 2 मैच जीतने के बावजूद उसके हाथ मायूसी ही लगी थी। फिर भारत को टी20 विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिसे इंग्लैंड ने 10 विकेट से हरा दिया था। अब बारी आई 2023 की। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़कर विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6ठी बार वनडे क्रिकेट में विश्व चैंपियन बनी। 2023 के वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा था कि इस बार भारत की झोली में वर्ल्ड कप का आना तय है, क्योंकि लगातार 8 मैचों को जीतने के बाद सेमीफाइनल में भारत के प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि फाइनल में भी इंडिया अपना दमदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमा लेगी। लेकिन करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 43 ओवर और 4 विकेट के नुकसान पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को करारी शिकस्त देते हुए वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमा लिया। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook के जरिए जुड़े हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।